हर नग्न मैंने शब्द उपयोग नहीं किया, मैंने कम कपड़े पहन कहते हैं ऐसा लगता है जैसे अर्धनग्न है, कहा मैंने ये नहीं कहा अर्धनग्न गाते हैं। उसके पीछे भाव क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं भाव ये कहना चाहता हूँ कि अपन अच्छा पहन के आएंगे और सच बोलेंगे। मैं तीन चार बातें कही थी, मैं आपको पूरा सुना देता हूँ। तो परिवार में भी रहता है और कुछ घंटे जैसे 7-8 घंटे वो विद्यालय में रहता है, तो माँ बाप को भी उनके सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और शिक्षकों को भी अपने आप को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि वो संस्कार ले सके। कोई शिक्षक लेट आता है और वो कोई जो उनसे पूछता है तुम कितने बजे आए, तो साहब सही समय आओ, तो बच्चे तो देख रहे हैं, उनको लगता है कि झूठ बोलने से बचाव हो जाता है। ऐसे ही हमारी यदि दृष्टि ठीक नहीं तो बच्चे सब देखते हैं, और बोलचाल ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, यदि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हम हमारा वस्त्र ठीक पहन के नहीं आते, कम पहन के आते हैं, जैसे ऐसा लगे कि जो ऐसा लगे कि जैसे आधे कपड़े पहने हुए हैं, आधा बदन दिख रहा है, तो उससे बच्चों पर संस्कार नहीं पड़ेंगे। अपने आप को संस्कार देने के लिए अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। सर, ये तो क्या इसके लिए ड्रेस कोड करना चाहिए सरकार को, या इस पे विचार कर रही है सर स्कूलों में शिक्षकों को? अभी हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन परंपरा है कि हम विद्यालयों में ऐसे कपड़े पहन के जाएं जिनसे ठीक लगते हों, बच्चों को कुसंस्कार न हो, इस प्रकार के, ताकि वह भी आने वाले जीवन में इसी प्रकार का व्यवहार करें। सर, अभी एक बार बार चर्चा चल रही है, अफवाह चल रही है, आज ऑर्डर आ गए, कल ऑर्डर आ गए, सुबह ऑर्डर आ गए, फिर वापस चले गए। आपको लगता है कि जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो तबादले का जो पॉलिसी जो आपने स्टडी की है, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कब तक, क्योंकि शिक्षक भी असमंजस में है, तो ये कब तक कुछ हमारे ये ऐसी अफवाह है? देखो, निश्चित रूप से पॉलिसी बन रही है, उस पर विचार चल रहा है, एक्सपर्ट से विचार विमर्श हो रहा है, वो जो तथ्य आएंगे उनको मंत्रिमंडल में रखेंगे, फिर मंत्रिमंडल निर्णय करेगा, उसके बाद उसका फाइनल होगा। सर, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, जिस तरह से आदेश वापस लिए जा रहे हैं, खासकर आप, देखो कोई ना कोई कमी रह जाती है तो उसका सुधार किया जा सकता है, कमी रह गई होगी छोटी मोटी, उसको सुधार कर लेंगे। हम ऐसा तो नहीं करते कांग्रेसियों की तरह, कभी 5 रुपया खा लिया तो फिर 1 करोड़ रुपये भी खाएंगे, 2 करोड़ रुपये भी खाएंगे, हम सुधार करते हैं, आगे कमियां करने के लिए नहीं बढ़ते हैं। अब डोडासरा जी क्या है, मैं ऐसे जो लोग हैं ना जो प्रदेश को लूट कर खा गए हैं, जनता के साथ ज्यादतियाँ की है, बलात्कारियों को सहयोग दिया है, आतंकवादियों को ससम्मान बोलते हैं, ऐसे लोग के बारे में क्या बात करना है, निकृष्ट लोग हैं।